चलते हैं जयपुर। बता दें कि आज कांग्रेस में एक बड़ा फेस जो है वो सम्मिलित होने जा रहा है और उसी को लेकर कांग्रेस पीसीसी बोर्ड रूम में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो उनको पार्टी की सदस्यता यहां पर ग्रहण करवाएंगे। ये बड़ी खबर जहां पर साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, साथ ही रंधावा भी उनके साथ मौजूद है। ये जो है हेमू कॉलोनी जो फ्रीडम मूवमेंट में शहीद हो गए थे, हेमू कॉलोनी के नाम आप देखते हैं कि जगह जगह मूर्ति लगी हुई उनकी, जोधपुर में क्या नजर भी है और जगह पे है, उनके परिवार से ताल्लुक रखती हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया जो हालात देश के अंदर है बने हुए हैं। और शादी अनादि सरस्वती जी मानती है कि देश में प्रेम भाईचारा श्रद्धा होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, वही थीम देश ही होगी तभी देश तरक्की करेगा। इनका मानना ही नहीं, हम सब का मानना है, घर में भी झगड़े होते हैं वो घर के भी ऊपर नहीं उठता है, वही बात लागू होती है गाँव के लिए भी, गाँव में झगड़े होंगे गाँव पिछड़ जाएगा, वही बात लागू होती है प्रदेश के लिए, वही बात लागू होती है देश के लिए। हालात जो है उसके अंदर आपने तय किया है मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं, और कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने, रंधावा साहब ने और मोहन प्रकाश जी ने, जो हमारे इंचार्ज है ज्वाइनिंग के, इन सब ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि आज एक फ्रीडम फाइटर परिवार की हमारी साध्वी जी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, ये बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं समझता हूँ कि जो मामला ये जो फैला रखा हिंदुत्व का, उसको मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, गाय माता की बात ये लोग करते हैं, अगर गाय माता की किसी सेवा करी है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी है। पिछली गवर्नमेंट ने गौशालाओं को 500 करोड़ रुपये दिए थे, हमने अभी 1000 करोड़ रुपये दिए हैं, 3000 करोड़ रुपये दिए हैं, कहाँ 500 करोड़, कहाँ 3000 करोड़ की गौशालाओं को अनुदान, नंदीशालाओं को 9 महीने का अनुदान, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। लंबी लोग आ गया, गौ माता तरह तरह के मर रही थी, एक माता सरकार राजस्थान की जिसने 40,000 रुपये दिए प्रति गाय, 40,000 रुपये दिए। आगे हम काम धेनु योजना लेके आ रहे हैं जिसमें गौ माता के लिए बीमा होगा पशुपालकों के लिए, तो पशुओं के लिए पशुपालकों के लिए भी हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। विभाग के पहले जब डायरेक्टर बना था तो मैंने बनाया था, जब गाय माता के लिए पुजारियों को हम दे रहे हैं, मानदेय बढ़ा रहे हैं उनका, मंदिरों की मरम्मत हम करवा रहे हैं, गोविंद जी के मंदिर में 100 करोड़ रुपये का कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ये जो राजनीति कर रहे धर्म के नाम पर, अब ये चलने वाले नहीं है, जो लोग समझ गए हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार सबको साथ लेके चल रही है, और चुनाव में भी हम जाएंगे तो जो हमने परफॉर्मेंस दी है हमने स्कीम लेके आए एक से बढ़ के एक, जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं इलाज का, बताइए आप। OPS किसे कहते हैं, जो आज हमने गारंटी दे दी है अगली बार सरकार आएगी हम कानून बना लेंगे उसके लिए, ये हमने गारंटी दी है 7 गारंटी में अगर, तो करने को बहुत सारी बातें हैं। मैं इतने कहना चाहूँगा हमारी स्कीमें, हमारे कानून पास किए गए वो हमारी गारंटी है, इसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जनता में वापस रिपीट करे, अपना आशीर्वाद दे, हमें कामयाब करे, सरकार रिपीट होगी। तो आज जो स्कीमें हैं
तमाम इसमें और मजबूत होगी आने वाले वक्त के अंदर, गारंटी दी जा रही है, गारंटी और मजबूत होगी, ये हमारी सोच है। इस रूप में हम लोग आगे चलना चाहते हैं और सरकार बदलती है तो जो नुकसान हुआ पिछली बार वो सबके सामने है, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे अन्य अन्य स्कीम बंद कर दी गई। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में उचित नहीं है। लंबी बात नहीं करता हूँ, मैं स्वाति अनादि सरस्वती जी जो पार्टी ज्वाइन कर रही है इनका मैं स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत बना दीजिए, पट्टा दे वो ये प्रभारी जी बना। बहुत बहुत आपका स्वागत है, उम्मीद है आपके आने से पार्टी मजबूत होगी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी रंधावा जी और मंच पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, मेरे सामने मेरे समस्त स्थानों से आए हुए पत्रकार बंधु, आपके अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन है और जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं उस विषय को मैं बताना चाहूंगी। गहलोत साहब ने वास्तव में करने में नहीं, करने में विश्वास किया है, कहने में नहीं। कुछ लोग हैं जो कहने के धनी हैं, हम कहने के भी धनी हैं और करने के भी धनी हैं। काम बोलता है, आदमी को कहते हैं ना कि परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि आदमी का काम और कर्म मजबूत हो रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अमर शहीद हेमुका रानी के परिवार से हूँ, वो मेरे दादा थे। और इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ मेरी पहचान सारे समाज में एक संत के रूप में भी है। संत पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होता है और संत सनातन धर्म के साथ में सारे विश्व को अपना परिवार मानता है और विषय एक ही होता है, मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा। मंच की दरकार नहीं है, मंच कोई सा भी हो, काम करना है। काम के लिए कहीं भी हमको सम्मानजनक तरीके से जब बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि हमें इसी बात को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ससम्मान इस परिवार में जोड़ा। और हिंदू संस्कृति की पहचान गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद से है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए वो बस दावे ही रहे, जमीनी स्तर पे यदि काम, जैसे